बाराबंकी शहर फिल्मों की शूटिंग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है और तमाम फिल्में के साथ साथ शॉर्ट फिल्म्स वेब सीरीज की शूटिंग भी यहां लगातार हो रही है। बाराबंकी पहुंचे कुछ मुंबई के अभिनेता यहां पर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उसी के दौरान हमारी यहां की आज की फिल्म की शूटिंग की लीड एक्ट्रेस से हमारी मुलाकात होती है, तो हम सोचते हैं कि आपका भी परिचय उनसे करा देते हैं। आपने हाल ही में मुश्ताक खान जी का इंटरव्यू भी देखा है, पूरी जानकारी की है। हालांकि इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो बाराबंकी के ही एक युवा जयप्रकाश के द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है और अभी इस फिल्म का नाम नहीं सोचा गया है, आने वाले समय में फिल्म का नामकरण किया जाएगा। परिचय कराते हैं आपका इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस से, पूछते हैं उनसे कैसे बाराबंकी आना हुआ, मुंबई से बाराबंकी का सफर और मुंबई में फिल्मों में एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहाँ से हैं आप और कैसे फिल्मों की तरफ रुझान बढ़ा, कैसे शुरुआत हुई? जी मैं तो पहले तो मैं आपका मतलब मेरा परिचय देती हूँ। आई एम चित्रा दीक्षित, आई एम फ्रॉम मुंबई, न्यू मुंबई नेरुल। सो मेरा सफर स्टार्टिंग हो गई है कि मैं एक्चुअली आई वॉज अ प्राइवेट स्कूल टीचर, सो फ्रॉम देयर आई एम स्टार्टिंग दिस फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा था स्कूल में, तो उन्होंने मुझे देखा किसी ने, तो उन्होंने बोला कि ये मैम को बोल दीजिए ऑडिशन देने के लिए। सो मैंने जस्ट आई थॉट कि चलो बोले हैं तो चलो जाके ऑडिशन दे देते हैं। सो मैं गई वहाँ पे, मैंने ऑडिशन दिया जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा जो जॉब था मैं उसमें बहुत खुश थी। बट वहाँ पे ऑडिशन दिया, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं शॉर्टलिस्टेड हो जाऊँगी। बट बाय गॉड ग्रेस की मैं शॉर्टलिस्टेड हो गई, मेरा ऑडिशन भी सेलेक्ट हो चुका था। फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, दो तीन बार ऐसे मतलब लुक टेस्ट वगैरह ले लिया। फिर बाद में फाइनली पता चल गया कि उन्होंने हिंदी फिल्म में मुझे लीड करके कास्टिंग किया। सो आई वॉज शॉक दैट टाइम। Which was the movie? Movie name was the Kareena. Yes, but it was first movie mine and them also. And from there I'm starting this film industry. There is a great difference between teaching and acting. How you are relating that? No, both are similar. I can't say both are similar, but because actually my profession is, because I'm thinking about that. The first what I want to do. If I am doing something, so I want to do. It's a very honestly that my job. Whatever, okay. Film industry or this is a teacher job. So I am doing there because when I was teacher, then I am also there doing there proper and honestly. So I got also there the best teacher actress. And when I start in this film industry, so from there actually lots of people are giving me lots of love and getting the lots of love and clapping. Okay. Let me ask you one thing another. What is the main role in the film? What is the story this film you are shooting in the Barabanki? This? Yeah, this one. Actually, I have done before one of movie Manjula. So okay. I was there also lead heroine. Film name is Manjula. Jay Prakash sir also. Okay. Yeah, he's director and he's producer also. He's a very honest person and he's a very nice guy. And मतलब अच्छे तो है ही, साथ ही में उनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगती मतलब, है। मतलब आपने पूरी तरीके से कसम खा रखी है कि दर्शकों को डराना है खूब। नो 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 नेवर, इट वाज माय एक्ट। नहीं, कंटीन्यूअसली आप हॉरर मूवीज कर रहे हैं। नो नो नो, एक्चुअली जस्ट आई वांट टू शो माय कैपेबिलिटी। या कैपेबिलिटी एंड माय हॉनेस्टेबिलिटी, बिकॉज एक्चुअली आई वांट टू गिव देम द प्रॉपर इट माय द परफेक्ट टेक, क्योंकि मुझे अगर मेरा परफेक्ट टेक जाएगा तभी तो मुझे प्यार देंगे ना। और सो मैं वो कोशिश करते रहती हूँ कि मैं जितना हो सके मेरा 100% मैं उसी में दूँ, चाहे वही जैसे कि आपको पहले बताया मैंने, चाहे जॉब हो चाहे ए फिल्म लाइन हो। देन व्हाट इज योर, व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्लानिंग? नथिंग एक्चुअली, व्हाटएवर कम इन माय फ्रंट ऑफ लाइफ, सो दैट या सो आई एम फ्रॉम देयर स्टार्टिंग, बिकॉज आई वांट टू डू एंड आई वांट टू गो ahead, whatever I can. Actually, my aim is the I want to take big award, best actress. Okay. I hope so, and we pray to God that you got it soon as possible. चित्रा दीक्षित जी हैं, बाराबंकी में शूटिंग कर रही हैं और बाराबंकी का माहौल तो उन्हें पसंद आया, फिल्म के बारे में भी जानकारी दी। इनकी जीवन तमाम युवाओं के लिए और तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रेरणा जरूर दे सकता है कि कहाँ आप शिक्षा की लाइन में थे फिर आज एक्टिंग की लाइन में, सफलता किस राह पर आपको मिल जाए ये आपको खुद नहीं पता है, इसीलिए आपको हर उन रास्तों को एख्तियार करना चाहिए जो ईमानदारी से हों और आपके लक्ष्य की तरफ देख रहे हों।
बाराबंकी से नीतीश मिश्रा।